नमस्कार, मैं हूँ वशिम अकरम। टेक्निकल आसाम यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आया हुआ हूँ एक नलबरी का बाजार शोरूम में, अनोरा ऑटो एजेंसी से। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं यहाँ पर नया कुछ अपडेट दिखाने के लिए आया हूँ बाजार का। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पल्सर NS125 को दिखा रहा हूँ और देख लीजिए यार, इसका यह बहुत सारा जो हम लोग का साथ में बताएगा, मैं इनको माइक दे दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा और आप लोगों को काफ़ी सारा बाइक यहाँ पर दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, इस ऑटो एजेंसी का A to Z इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा, सेल से लेकर सर्विस तक। सो आप लोग वीडियो में बना रहिए यहाँ तक, और मैं सर को थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन भी पूछूँगा यहाँ में। तो सर नमस्कार, मेरा नाम है वसीम अकरम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसाम। तो हम लोग आया हूँ आजो से आप लोगों का यहाँ में बाइक का रिव्यू करने के लिए, और भी आपका यहाँ में बहुत सारा बाइक है, सारा कुछ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एक्चुअली पल्सर NS125 ESC से। तो इसका अबाउट थोड़ा सा हम लोगों का धीरज का पता नहीं है, और साथ ही आपका इसका सर्विस का बारे में भी थोड़ा सा पता नहीं है। পোনপ্রথমতে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ আনোৱাৰ অটো এজেন্সিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ ইয়াতে আহিছে, বাইকখিনি দেখুৱাইছে। বাজাজ হৈছে বাজাজৰ প্ৰডাক্টৰ কথা ক'ব যোৱাৰ লগতে মই বাজাজৰ কথাখিনি কৈ আছে। বাজাজ হৈছে আপোনাৰ মোৰ গ্লোবেল স্পেচিয়েলিষ্ট হয়, ই আপোনাৰ অল ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰা পশ্চিমখন দেশত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে, যাক আমি ৱৰ্ল্ড ফেব্ৰিক ইউনিয়ন বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ নতুন আমাৰ এইখন বাইকে লঞ্চ কৰিছে আপোনাৰ বাজাজ পালচাৰ NS125। এইখন আপোনাৰ হায়েষ্ট বিক্ৰী হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ যিহেতু হ'ল এইখন 125 ছেগমেণ্টত আহি আছে, আপোনাৰ ছুপাৰ বাইকতকৈ কম হয়, এইখন এক ৰকমৰ ছুপাৰ বাইক হয় আৰু প্ৰাইচটো আপোনাৰ ল' হয়। আৰু আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ ল' ডাউন পে'মেণ্ট দিয়া হৈ আছে আৰু কম ৰেটৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হৈ আছে, সেই কাৰণত আপোনাৰ গাড়ীখন আমাৰ হায়েষ্ট বিক্ৰী কোৱা হয় जैसे कि आप लोग एयर लिक्विड की होता है, एयर कूलर की होता है, आप लोगों को मालूम है एयर कूलर गाड़ी जो है ये काफ़ी दूर तक जा सकता है, आपको इंजिन गर्म नहीं होगा, इसका मतलब इसलिए जो है ये एयर कूलर चल रहा है, ठीक है ना। तो सर आगे और बताइएगा, फ्रंट साइड जो है इसका डिस्प्लेक है और पीछे में जो है इसका नॉर्मल, और उम्मीद है कि बाद में इसको और मॉडिफाई करके पीछे भी मतलब। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं अभी थोड़ा सा इसका लेने का टाइम बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा डाउन पेमेंट देके भी ले सकते हो, कितना देके आप लोग ले सकते हो वो सामने ही बता रहा हूँ। तो सर आप थोड़ा सा बता दीजिए इसका डाउन पेमेंट या इसका ऑफर अगर होगा थोड़ा बता दीजिए। डाउन पेमेंट मिनिमम रखते हैं अपना 15,000 पर आप स्टार्टिंग करिए, तो ঠিক আছে। আপ লোকক মই পালসার NS125 দিয়া আছো, আজি ইসে পুরা ওয়ার আচ্ছা গাড়ি দিলা গাড়ি মে আপ লোকক দিলাম। সো ফ্রেন্ডস, আবি মে আপ লোকক বাজাজ নে যে হিলা দিয়া থা পুরা ইন্ডিয়া কো 220, ঠিক আছে না। আপ লোক পেলে দেখা থা BS4 যে 220 থা বাজাজ কা পালসার BS4 220 যে থা উসনে যে হে ইন্ডিয়া কো হিলা দিয়া থা পুরা। अभी जो है ये BS6 मॉडल है और न्यू अपडेट आया है ये पल्सर 220 का, तो इसका भी अब थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे। तो इसके बारे में तो आप लोगों को घूमना नहीं पड़ेगा, ये कितना पिकअप का गाड़ी है, कितना हाई स्पीड का गाड़ी है, वो भी आप लोगों को घूमना है। तो इसका अबाउट भी सर ने थोड़ा सा बताएगा या इसका भी डाउन पेमेंट का बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे। अपना यहाँ पे नतून कलर आई है बजाज पल्सर 220 का, नतून कलर आई है, नतून यहाँ पे अपनी पाए थे आप ABS पाए थे
এন্টিব্রেকিং লক সিস্টেম আপোনাৰ আছে এন্টিব্রেকিং লক সিস্টেম আহিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডুৱেল ডিস্ক ব্ৰেকত আহিব ইয়াতে আপোনাৰ ডুৱেল ডিস্ক ব্ৰেক উইথ এবিএছ লাগি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ মাইলেজটো ভাল আপোনাৰ মাইলেজটো আপুনি 45 এনেকুৱা আপোনাৰ মাইলেজ পাই আহি আছে আপোনাৰ ডাউন পেমেণ্ট ল' ডাউন পেমেণ্ট আমি ইয়াতে ল' ডাউন পেমেণ্ট কৰিছোঁ সকলোবোৰ বাইকে আপোনাৰ সকলোবোৰ বাইকে আমি ইয়াতে ল' ডাউন পেমেণ্টত আমি ফাইনেন্স কৰোঁ আৰু আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আমাৰ বহুত ল' হয় সেইখন মিনিমাম আপুনি 35-40,000 দিব লাগিব ডাউন পেমেণ্টটো 35-40,000 আহিব বাজাজ পালসার 220 ইয়ার কালার বিভঙ্গা আমি যো পেলে কাজ বিএস সুও গাড়ি থা আর আপনি কাজ বিএস সিট হ্যাঁ ইসমে কালার মে থা ডিফারেন্স বিএস লাগা হুয়া হ্যাঁ আর থোড়া সা ইঞ্জিন মে ভি মডিফাই কিয়া হুয়া হ্যাঁ পেলে বিএস কো থা তো উসমে থোড়া সা ধোয়া হুয়া নিকালতা থা বাট আমি যো বিএস সিট গাড়ি হ্যাঁ উসমে ধোয়া হুয়া থোড়া সা ভি নেই নিকালতা মতলব পলিউশন ফ্রি গাড়ি जितना गाड़ी है पोल्यूशन फ्री गाड़ी है इसमें धुआं लगभग नहीं निकलता है नाका बड़ा ठीक है ना तो अभी मैं आप लोगों को और थोड़ा सा आगे मैं दिखाऊंगा और क्या अपडेट है पल्सर का तो ये पर है RS 200 तो इसका भी लुक काफ़ी अच्छा लुक है सामने में ये तो पूरा सुपर बाइक ही है सुपर बाइक में पड़ता है उसका भी मतलब ये जो है पल्सर RS 200 है और ये जो सुपर बाइक भी है आप लोगों को मालूम है जितने लोग जो है बाइक से रिलेटेड है तो इसका भी मतलब कलर से भी मतलब ये जो है वाइट कलर का है और ये गाड़ी जो है दूसरा कलर का भी है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और इसका जो है आगे में डिस्प्ले है काफ़ी पावरफुल डिस्प्ले है और ये है मतलब काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है और फ्रेंड्स इसका जो है पीछे में भी डिस्प्ले है इसका साथ में मिल जाएगा और ये गाड़ी है वाइट कलर में है थोड़ा थोड़ा छोटा कलर भी है मॉडिफाई किया हुआ है और इसका जो ट्रांसमिशन है थोड़ा छोटा है मतलब ये लग्जरी ट्रांसमिशन है ठीक है ना तो फ्रेंड्स ये अगर सामने देखिए एल ई डी हेडलाइट विथ प्रोजेक्टर का साथ में आप लोगों को मिल रहा है और ये जो है एल ई डी टर्न सिग्नल है ये टर्न सिग्नल भी एल ई डी ठीक है ना फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ये जो है लुकिंग ग्लास है और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी आप लोग लगा सकते हो मुझे मालूम है तो ये हमारे हम लोगों को और मिल जाएगा ये भी है और फ्रेंड्स ये भी 200 ही है तो मैं आगे और आप लोगों को दिखाऊँगा ये है डोमिनार 250 ठीक है ना फ्रेंड्स ये तो सुपर बाइक कैसा सुपर बाइक है आप लोगों को मालूम है तो इसका थोड़ा सा अबाउट आप बता दीजिए सर मेनली अपना टूरिंग बाइक है ना यहाँ अपना सॉकेट जो बाइक है वाला अपना अपसाइड डाउन सॉकेट अपने अच्छा एल ई डी लाइट पाए हेड लाइट पाए अपना एल ई डी हेडलैम्प वोट अपना डिस्प्ले डुअल डिस्प्ले का ये सर एडीएस और উইথ এবিএস ডিউল ডিউল ডুয়েল ডিসপ্লে আর আপনার যেহেতু এক্সস্ট আছে এক্সস্ট আপনার ডাবল এক্সস্ট তো এই গাড়ি কা বারে মে তো মালুম হ্যায় ये काफी ইউটিউবার লোক ভি মতলব ব্লগিং চ্যানেল মে চলাতা হ্যায় ये গাড়ি ঠিক আছে না ফ্রেন্ডস ये है ডোমিনার का 400 নিউ আপডেট ঠিক আছে না ফ্রেন্ডস ये जो है उससे भी मतलब ये तगड़ा गाड़ी है मतलब फ्रेंड्स ये उससे भी थोड़ा सा तगड़ा गाड़ी है और इसका आप लोग सफेद कवर देखिए ये डबल है ठीक है ना ठीक है तो आप लोगों को ये मैं पीछे में भी थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा कैमरा लेके आइए यहाँ पर ये एग्जॉस्ट की ड्यूअल एग्जॉस्ट अपनी को जो तो यहाँ पर जो है आप लोगों को मतलब पीछे में भी थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करूँगा तो मुझसे अच्छा जो है आप सार आप जानते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बोलिए इसका तो दाम बहुत होगा मेरा हिसाब से तो आप इसका भी थोड़ा सा समथिंग थोड़ा सा बता दीजिए हम लोगों का थोड़ा सा बता दीजिए ये जो है 400 है 400 डोमिनार 400 न्यू अपडेट है तो इसको लेने के लिए लगभग कितना पैसा पे करना पड़ेगा সেইটো আপোনাৰ সেই বিষয়টো আপুনি এটা কাম কৰিব আমাৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যনৰ নম্বৰটো দিলে তাতে আপুনি কণ্টেক্ট কৰিলে পাই যাব তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক এ গাড়ী হওক য়া কোই ভি গাড়ী হওক अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो आप लोग देख रहे हो नीचे में एक नंबर आ रहा है सो वीडियो का नीचे से जो नंबर प्ले हो रहा है उस नंबर से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स तो आप लोग यहाँ से बाइक खरीदने से यहाँ पर सर्विस कर सकते हो और दूसरा जगह से भी अगर आप लोग बाइक बजस का खरीदते हो फिर भी यहाँ सर्विस कर सकते हो ठीक है ना तो
किया है, तो है एक पल्सर 220 का बिजनेस कर रहा है और कैसे किया जाता है वो भी मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ सिस्टर का इस भाई साहब से। तो नमस्कार, मेरा नाम है वशिम अकरम, टेक्निकल असम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, यह बार जो है BS6 का सारा जितना मैकेनिक है सभी लोग जो है लगभग ट्रेनिंग ले चुका है और जो एक है जो ट्रेनिंग दिया नहीं है वो मिल जाएगा। सब लोग सब ट्रेनिंग नहीं है तो वर्कशॉप का जो वर्कशॉप का नियम होता है तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मालूम है क्योंकि आप लोग भी टेक्निकल लाइन का आते हैं। तो जितना मैकेनिक होता है मतलब दो दो चार साल ऐसे करके ट्रेनिंग लेते रहता है और सर यहाँ पर ऑलरेडी है ट्रेनिंग मैकेनिक और बाकी सब चीज़ मतलब जो एक दे रहा है उस तरह से जो है बहुत ही अच्छा से मतलब ये मेंटेन्स हो रहा है। तो मैं इसलिए आप लोगों का बीच में आया था कि आप लोग बोल रहा था कि बजाज का गाड़ी दिखाओ, बजाज का गाड़ी दिखाओ। सो मैं आप लोगों को बजाज का पूरा A to Z दिखा दिया। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बजाज का सारा गाड़ी दिखाया, बट एक गाड़ी के लिए हम लोग आ गया बजाज शोरूम का गोदाम में। ये है अनवारा ऑटो एजेंसी का बाइक का गोदाम। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारा बाइक यहाँ पर है, बट मैं यहाँ पर क्यों आया मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं इस CT 110 को दिखाने के लिए आया था। फ्रेंड्स, ये गाड़ी जो है काफ़ी माइलेज का गाड़ी है, आप लोग लगभग 1 लीटर से 90 से 100 किलोमीटर तक चला सकते हो ये गाड़ी। इसलिए जो है इस गाड़ी को दिखाने के लिए मैं गोदाम तक आ गया, ठीक है ना। सो आइए फिर जाते हैं वर्कशॉप में। आप लोगों को मैं अनवारा ऑटो एजेंसी का कुछ यहाँ पर अपडेट दिखाने के लिए आया था। सो मैं दिखाया हूँ। तो अभी जो है मैं सेल्स मैनेजर से थोड़ा सा बात करने का कोशिश करूंगा। नमस्कार सर, मैं वशिम अकरम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल असम। तो हम लोग यहाँ पर आया था तो अभी थोड़ा सा हम लोग को जो सब बोल दीजिए कि हम लोग का व्यूअर्स को जो वीडियो देख रहा है वो लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा था अनवारा ऑटो एजेंसी बजाज शोरूम। तो आप लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और मेरा साथ में आया था, सबको मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ, मेरा साथ ये है रमजान अली। तो फ्रेंड्स, ये भी एक यूट्यूबर है, फ्रेंड असम का कॉमेडियन है, कॉमेडियन वीडियो क्रिएटर है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा इसका वीडियो भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। बेचारा बहुत मेहनत किया, बड़ी लर्निंग दी गया हम लोग यहाँ पर आया था। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर टेक्निकल असम चैनल। थैंक यू।